फायदा काल दे। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं, मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। ऐसा मत करो, कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। किंतु मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान, ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है।
शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा है। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया, किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है। मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान, किसी में जग की भलाई। हनुमान, काल का अंत मत करो, तुम्हें कालांत तक नहीं कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के अहित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हनुमान, ऐसा अनर्थ मत करो, मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान, हम सबके विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो, सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हनुमान, ईश्वर महावीर शांत भव, अंजनी सुत वज्रांग शांत भव, जग आधारा शांत शांत भव, शांत शांत भव, केसरी नंदन महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। कालदेव की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान वाशकली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ, हनुमान अवश्य आएगा। और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया तो हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान गोपालक। हनुमान, 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 ऐसा मत करो, हनुमान नहीं, मुझे मत दिख लो, छोड़ दो, छोड़ दो।